रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्रा फिल्म जो कि बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में तो काफी शानदार कमाई की थी, लेकिन 4थे दिन के बाद इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्रा के 7 दिनों के डे वाइज कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से अब तक कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि ब्रह्मास्त्रा फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या सुपर फ्लॉप। तो दोस्तों ब्रह्मास्त्रा वैसे तो बॉलीवुड यानी कि एक हिंदी फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा यानी कि 4 साउथ की भाषाओं में डब करके दुनिया भर में 5 भाषाओं में रिलीज किया था और फिल्म को दुनिया भर के अंदर 9000 स्क्रीन भी मिली थी। अब दोस्तों फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन 75 करोड़ की शानदार कमाई की थी और शुरुआती 3 दिनों में यानी कि पहले वीकेंड में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ का भी हो चुका था। लेकिन दोस्तों सोमवार आने के बाद फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें भारी गिरावट रही, वही मंगलवार भी फिल्म के कलेक्शन अच्छे खासे ड्रॉप हो गए। पर बात की जाए कि फिल्म ने हर दिन इंडिया से कितनी कमाई की, तो दोस्तों ब्रह्मास्त्रा ने पहले दिन इंडिया से कलेक्शन 36 करोड़ 42 लाख रुपए का किया था, दूसरे दिन 41 करोड़ 36 लाख रुपए का, वही तीसरे दिन 45 करोड़ 66 लाख रुपए, तो चौथे दिन 16 करोड़ 50 लाख रुपए, वही पांचवें दिन तो फिल्म के कलेक्शन और भी नीचे गिर गए और फिल्म ने पांचवें दिन सिर्फ 12 करोड़ 68 लाख रुपए कमाए। छठे दिन यानी कि कल फिल्म का जो कलेक्शन था वो रहा लगभग 11 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों ब्रह्मास्त्रा शुरुआती 6 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन 165 करोड़ का कर चुकी थी। वही दोस्तों बात करें फिल्म के 7वें दिन के कलेक्शन की, तो ब्रह्मास्त्रा की जो 7वें दिन की ऑक्यूपेंसी है वो लगभग कल जैसी है, यानी कि ये फिल्म अपने 7वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 10 करोड़ का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों ब्रह्मास्त्रा का शुरुआती 7 दिनों में यानी कि पहले हफ्ते में इंडिया से नेट कलेक्शन हो रहा है 175 करोड़ रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन बन रहा है 208 करोड़ का। बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि 5वें दिन के बाद ब्रह्मास्त्रा के जो ओवरसीज कलेक्शन है उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट आना बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ वेबसाइट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्रा फिल्म ने ओवरसीज मार्केट मतलब कि विदेशों से लगभग 100 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। यानी कि दोस्तों ब्रह्मास्त्रा का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो 300 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। जी हां दोस्तों फिल्म ने अपने देश हिंदुस्तान में 208 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है, वही दुनिया भर में लगभग 308 करोड़ रुपए। तो दोस्तों फिल्म पहले हफ्ते में तो 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब देखते हैं कि दूसरे हफ्ते में फिल्म की शुरुआत कैसी होती है और फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है। वैसे आपको क्या लगता है ब्रह्मास्त्रा का फाइनल कलेक्शन कितना रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।